जितेंद्र गौरव युद्धा का बब्बर शेर है। न्यू नेशन ओशन वाला से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, वो युद्धा का बब्बर शेर है। ठीक है, वो पास्टरों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। वो जब दहाड़ते हैं ना, जब गर्जते हैं तो बड़ी बड़ी सरकार भी जो ना हिलती है। जो हिंदू धर्म के लोग थे वहां पर, आचार्य, माननीय आचार्य, मैं बहुत कुछ कह सकता था क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। और ज्यादा लोग मुझे बताते भी हैं और मुझे भी पता है और मेरे पास लिखा भी हुआ था, बहुत कुछ कह सकता था कि आस्था क्या होती है और पखंड क्या होता है। और पास्टर अंकल नूरला को वहां बोल रहे हैं, कहते कथित पास्टर अंकल नूरला, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, कथित क्या होता है। चर्च के अंकुर नरूला हैं, उनके जो करीबी हैं गौरव कुमार नरूला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग थे वहां पर, आचार्य, माननीय आचार्य, मैं बहुत कुछ कह सकता था क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। और ज्यादा लोग मुझे बताते भी हैं और मुझे भी पता है और मेरे पास लिखा भी हुआ था, बहुत कुछ कह सकता था कि आस्था क्या होती है और पखंड क्या होता है। मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी हिंदू धर्म को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैंने नहीं कहा, बहुत कुछ कह सकता था। ठीक है, मैंने नहीं कहा नींबू मिर्ची, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, विवाद हो जाता है क्रिश्चियन लोगों में और हिंदू लोगों में, आस में लड़ाई होती है। हम तो टीवी में बोलकर आ जाएंगे अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए और आप लोग खुश हो जाएंगे कि हमारे बिशप जी ने चंगा रगड़ा उनको, चंगा सुनाया उनको। कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी आए, कहते आपने उनको सुनाना था। मैंने कहा मैं एक बिशप हूं और इतनी उम्र मैंने ले ली है, मुझे पता है, तो इसलिए मैंने कहा था भी आपको कुछ भी उत्तर नहीं देना चाह रहा हूं। उनको मैंने कहा था बस सुनना ही चाहता हूं, इसका मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं था, बहुत कुछ पता था। हम भी पैदल जाते रहे, बहुत से लोग पैदल चल चल पहले चलकर सब कुछ करते रहे, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। चर्च में पखंडवा ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? और अगर मैं उनको कुछ कहता तो ये जो क्या है, दो समुदायों के अंदर आपसी प्रेम जो है खत्म होता है, इसलिए मैंने कोई बात वहां पर नहीं की। जो कैथोलिक कहते हैं, मैं तो जन्म से कैथोलिक हूं, पुराना नियम में पढ़ चुकी हूं। कितनी उम्र होगी, 37 साल, 35-37 साल, 40 साल होगी ना? तो पुराना नियम पढ़ चुकी हूँ, नया नियम अभी शुरू किया है और 3 साल हो गए मैं वेदों की है ना, गीता की, दूसरे वेदों की क्या कर रही हूँ, खोज कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। और इतना घमंड से बोल रही हो, बाइबल को नीचे रखिए, बाइबल को नीचे रखिए, बाइबल को नीचे रखिए। मैंने कहा बाइबल के बिना तो हम बोल ही नहीं सकते। इधर की उधर की बातें घुमा घुमा कर आपको घुमाता रहूं? नहीं, बाइबल के अंदर क्या लिखा है, और वो भी जुबानी नहीं, पूरा कोट करके। जब जब अपने किसी बुक्स को या धार्मिक बुक्स या संविधान को कोट करते हैं तो वो लाइन को पूरा पढ़ते हैं, इतने अध्याय इतना आयत पूरी पूरी कोट करते हैं, उसको कहते कोट करना। वैसे कहना होता है कि बाइबल में लिखा है कि तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो, ये सिर्फ इतना होता है कि बाइबल में लिखा है। लेकिन जब आप कोट करते हैं तो आपको पढ़ना होता है पूरा कोट करके, यहां और यहां लिखा हुआ है। हालेलुया, ठीक है। और कैथोलिक मैं नहीं चाह रहा था कि उनके सामने जो माननीय
आचार्य जी बैठे थे हिंदू धर्म के, उनके सामने मैं ये क्रिश्चियन क्रिश्चियन में आपस में ही वो करूं कैथोलिक को जवाब। पहले तो कह रही थी मैं कैथोलिक हूं, फिर कह रही थी मैं कैथोलिक भी नहीं हूं, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो इसको। वचन से किसको आग लगती है? बस नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे बैबल नहीं, बैबल नहीं, बैबल नहीं, चले जाओ। ठीक है, जैसे पता नहीं बाइबल से आग लग रही है, बाइबल को क्यों नीचे रखो? जब पहले इन्होंने दो तीन पास्टरों को बुलाया, वो बेचारे उठकर चले गए, इनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए, उठकर चले गए। मैंने कहा ठीक है इस बार मैं आता हूं। उनसे पता क्या कहते थे? बाइबल में बताओ कहां लिखा है कि चंगाई सभा, बाइबल में बताओ कहां लिखा है ऐसा करना, बाइबल में बताओ कहां लिखा है तेल का इस्तेमाल करना, बाइबल में बताओ ये कहां लिखा। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप दूसरों से पूछ रहे थे पास्टरों को फादरों को बाइबल में बताओ कहां लिखा है, मुझसे पूछो ना बाइबल में कहां लिखा है। मुझे को कहते हो कि बाइबल नीचे रख दे, मुझे कहते बाइबल नीचे रख दे। उनको बेचारे भोले भाले एक पास्टर को बैठा लिया और उसको इतना मतलब उन्होंने कर दिया टॉर्चर। तो उसने कहा इतना वो टॉर्चर हो गया कि वो कहता कान्ना गलील में क्या खत्म हो गया था, शादी में परमेश्वर मसीह गए क्या खत्म हो गया था, दाखरस खत्म हो गया था। ठीक है, और वो बेचारा इतना घबरा गया तो वो कहता कि वहां पर शादी में पानी खत्म हो गया था। वो बेचारा इतना घबरा गया, वो कहता कि परमेश्वर मसीह के जो चेले थे, परमेश्वर मसीह के जो बॉडीगार्ड थे, ऐसा बोल गया। तो एक और थे स्कॉलर थे बड़े अच्छे, उन्होंने रोका इसको, एंकर को कहा इसको रोको, ये गलत बोल रहा है, परमेश्वर मसीह को बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं है। तो चेलों को बॉडीगार्ड वो बोल गया, मतलब उसको ऐसा कर दिया, बाइबल में बताओ कहां लिखा, बाइबल में बताओ कहां लिखा। तो मैं इसलिए कह रहा था मुझसे पूछो बाइबल में कहां लिखा है, मेरी बारे में क्यों कह रहे हो बाइबल रख दे। फिर एंकर कह रहा था अब बाइबल में से कोट मत करना, अब बाइबल में से कोट मत करना। मैंने कहा मैं बाइबल के मैंने बोलूंगा भी नहीं। हालेलुया, कैथोलिक पर भी हमला मैं कर सकता था, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो हम लोगों से प्रार्थना कराते हैं वो कैथोलिक हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नए नियम की कलीसिया की ओर आ रहे हैं। कैथोलिक एक बहुत अच्छी कलीसिया है, कैथोलिक के द्वारा परमेश्वर का शुरू में वचन बहुत फैला, लेकिन बात यह है कि एक कैथोलिक अब बाइबल की आज्ञा का उल्लंघन करती है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने लगी है, चाहे परमेश्वर मसीह की मूर्ति हो, चाहे माता मरियम की मूर्ति हो, बाइबल मूर्ति की पूजा करने के लिए मना करती है। और ये लोग क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मरियम की मूर्ति की पूजा करते हैं, परमेश्वर मसीह की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन ये करते ही हैं। फिर परमेश्वर जी ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 वचन में परमेश्वर जी कहते हैं यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर मसीह क्या कहते हैं, यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे मेरे नाम से मांगोगे। दूसरी बात परमेश्वर मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 वचन में अगर मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि परमेश्वर मसीह ने हमें सिखाया कि मेरे नाम से मांगो पिता से तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मेरे नाम से मांगो पिता से हो जाएगा, जहां मुझसे मांगो मैं वैसा ही करूंगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मरियम से मांगो, माता मरियम से मांगो। और कैथोलिक चर्च क्या करती है, माता मरियम से मांगती है। माता मरियम अपने बेटे परमेश्वर मसीह को कहे मेरा दुख दूर हो जाए,
माता मरियम परमेश्वर मसीह से कहे मेरे पाप क्षमा हो जाए। बाइबल में लिखा नहीं, परमेश्वर मसीह ने कहा ही नहीं। परमेश्वर कहते हैं मुझसे मांगो, मेरे नाम से मुझसे मांगो, जा मेरे नाम से पिता से मांगो। मरियम से नाम से मांगने के लिए कहीं नहीं कहा, ठीक है। और वो कह रही है मैं कैथोलिक हूं, पूरे कैथोलिक को चर्च को उसने बदनाम किया, पूरी चर्च को कैथोलिक चर्च को बदनाम किया। देखिए बहुत कुछ कहने को था। एक तो उन्होंने आप शायद आपको पता नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे सामने अभी क्या चल रहा है, एलसीडी चल रही है जैसे, ठीक है, मुझे पता यहां से मैं देख रहा हूं, वहां पर लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी, वहां पर लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी। आपने जो देखा वो लाइव था, लेकिन असल में लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो तो उन्होंने संडे को रिकॉर्ड की थी और सिर्फ मुझे आवाज सुनाई देती थी, और वो भी कुछ देर के बाद। आपने देखा होगा मैं कुछ सेकंड के बाद बोलता हूँ, जैसे कोई एंकर पूछ रहा है उसके कुछ सेकंड के बाद मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ सेकंड के बाद वहां आवाज आ रही है स्टूडियो से यहाँ तक आवाज। जो डिबेट देखते हैं उनको उन्हें मालूम है, तो कुछ देर बाद मेरे पास आवाज पहुंच रही है और फिर मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, और वो सेकंड लग रहा है वहां वापस आवाज को जाने में भी, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं देरी से बोल रहा हूँ। और फिर मेरी आवाज स्टूडियो में कम कर दी, स्टूडियो को बढ़ा दी, अब मेरे सामने वो है ही नहीं है। आप समझे कि नहीं, वो मेरे सामने ही नहीं है, ना तो मुझे एंकर दिखाई दे रहा है और ना ही वो मुझे दिखाई दे रहे हैं जो वहां बैठे हैं। कौन है वो और वहां क्या हो रहा है, वो क्या हाथ में बोतल लिए हुए है कि नहीं लिए हुए, वो मतलब आप समझ गए, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे कानों से सिर्फ सुनाई दे रहा है और मैक से मेरी आवाज वहां जा रही है, उनकी आवाज मुझे आ रही है, कुछ नहीं। एक लाइव डिबेट होती है, अपने आमने सामने बैठे, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, और हाथों से पता चलता है कोई हाथ ऐसे कर रहा, कोई ऐसा कर रहा, कुछ बोल रहा है कैसे भी, और मेरी आवाज इको हो रही थी। मैंने कहा भी हो, वहां रिकॉर्डिंग में भी आया, मैंने उन्हें कहा मेरी आवाज इको हो रही है, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब, अब ये भी अपने को समझ आ गई कि आगे से लाइव में बैठना सामने सामने, कोई वहां कुछ अंधेरा, मैं तो आंखें बंद भी करूं मुझे वहां क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, वहां कौन बैठा है, क्या है क्या नहीं है। नाम की लिस्ट दे दी थी, जो इस सिस्टर का नाम दिया ना, इसके आगे सिस्टर भी नहीं लिखा, मिसेज भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो मैंने सोचा इनका नाम पढ़कर, मैंने कहा भी ये कैथोलिक लिखा हुआ था, मैंने कहा शायद कैथोलिक का फादर होगा। तो जब आवाज आई तो एक लेडीज की आवाज कानों में आई, मैंने कहा ये इनमें लेडीज कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता था यहाँ वहां पर लेडीज भी कोई बैठी हुई है। तो ये था, और वो आप बिशप बन गए, ऑर्डिनेशन की बात कर रही है। हमने तो कितने ही पास्टरों का ऑर्डिनेशन किया, इंडिया है में नहीं, बाहर के देशों में भी ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट दिए हैं, पास्टरों को ऑर्डिनेशन किया है, सैकड़े सैकड़े लोगों का। बहुत समय कंप्यूटर में लिस्ट हो गई, हमारे पास लिस्ट होती है, नंबर सीरियल नंबर चल रहा होता है, सैकड़े लोगों का ऑर्डिनेशन किया हम लोगों ने सिर्फ के लिए, और ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट जारी किए। ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट होते हैं जो पास्टर होते हैं, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट जारी किए, और वो अभी कहती मैं रिसर्च कर रही हूं। हमने तो रिसर्च करके दो किताबें भी लिख दी, विश्वास और आश्चर्य कर्म और समस्याओं से छुटकारा, और वो अभी तो बेचारी रिसर्च कर रही है। अब मेरे से क्या मतलब, मैं क्या कहूं उनको, ठीक है। वो बेचारा जो सीएनए का फादर बैठा था कहता ये तो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। पहले तो मैं चुप ही रहा, लास्ट में जाकर थोड़ी सी क्लास लगाई, ये प्रॉपर्टियों को बेचते हैं पूरे हिंदुस्तान से भी, बाहरों से भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि ये लोग जो सीएनए के लोग जो प्रॉपर्टियां थी अंग्रेजों के जमाने की, इन्होंने बेचनी शुरू कर दी।
और वो अपने आप को बेचारा, मैं जब बाइबल में से कहा कि पौलुस ने हाथ रखा और उन्होंने पवित्रता पाया, तो एंकर उससे पूछ रहा है अब बताएं क्या ये बाइबल में लिखा है। और वो जो सीएनए का फादर था वो, उसने ये नहीं कहा कि हाँ लिखा हुआ है, उसने ये नहीं कहा, वो कह देता हाँ लिखा हुआ, इतना तो बोल सकता था हाँ बाइबल में ये लिखा हुआ है, नहीं कहा उसने। और मैं क्या कहूं ऐसे लोगों को, है ना, 10 साल 15 साल पढ़ाई हो गई है फिर उसके बाद ऐसा होता है ऐसा होता है। वो जितना वो पढ़े हैं ना, मैं ऐसे लोगों को पढ़ाता हूं, शायद आप लोगों को जो बेचारे कलीसिया की आम कलीसिया वो नहीं जानते, जो सीनियर लोग हैं वो सब जानते हैं, बैचलर ऑफ थियोलॉजी, मास्टर ऑफ थियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री, जो डॉक्टर डिग्रियां हैं, ऐसे स्टूडेंटों को मैं पढ़ाता हूं थियोलॉजी, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। और इंटरनेशनल थियोलॉजिकल ओपन यूनिवर्सिटी जो 2001 से हमारी यूनिवर्सिटी है, उसका मैं मालिक भी हूं, प्रेसिडेंट भी हूं, डायरेक्टर भी हूं। तो हम तो लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को हम डिग्रियां देते हैं, बड़े बड़े पास्टरों को, बड़े बड़े सीनियर पास्टरों को हम लोगों ने पास्टर ऑर्डिनेशन दिए और बाइबल की डिग्रियां भी दी, डॉक्टरेट तक डिग्रियां दी। हम तो उनको पढ़ाते हैं जैसा वो है, ऐसे लोगों को तो हम पढ़ाते हैं, और वो तो ऐसा जैसे मेरी क्लास में कभी एक दिन भी ना आया हो, बाइबल का कुछ पता ही नहीं, तनख्वाह आ गई बस उनको, उनको मतलब यही है, सैलरी आ गई बस, ठीक है। कभी परमेश्वर मसीह का प्रचार नहीं करते, कभी कुछ नहीं, लिस्ट आती है वो पढ़कर बोलनी होती है उन्होंने। 2001 से यूनिवर्सिटी है मेरी, उससे पहले पेंटिकोस्टल बाइबल इंस्टीट्यूट था, उसके द्वारा हम बाइबल स्टडी करवाते थे, क्योंकि वो पेंटिकोस्टल इंस्टीट्यूट था इसलिए पेंटिकोस्टल लोग उसमें करते थे। बाद में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई ताकि सभी जितने भी क्रिश्चियन हैं वो सब उसमें डिग्रियां कर सके, इंडिया से, इंडिया से बाहर से भी, विदेशों से भी, ठीक है। तो इनका क्या कहूं मैं, लोगों में इतना रोष है, लोग बेचारे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, इतना रोष है, और सब अपनी हमदर्दी कर रहे हैं, मेरे साथ हैं सब लोग, सुजो कर रहे हैं। अगर इसमें कोई हेराफेरी या चोरी चारी होती, बिन डर होता, तो हम अपने चैनल पे थोड़ा डालते, हमने तो अपने चैनल पे डाल दिया, हजारों हजारों लोगों ने देखा, सारे जोड़े तो लाखों में गए चले, हालेलुया। ये लोग कुछ भी बोलते हैं क्योंकि उनका एजेंडा है कि सबको कहना है पखंडवाद। पिछली बार जब अपनी वीडियो इन्होंने चलाई थी, पहले पहले सबसे पहले शुरुआत की थी, तो उसके साथ जोड़ दी पास्टर अंकर नरुला की, उसकी जोड़ दी और पास्टर अंकर नरुला को वहां बोल रहे हैं, कहते कथित पास्टर अंकर नरुला। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, कथित क्या होता है, मतलब कोई अपने आप को बन जाए पास्टर जैसे। पहला शमूएल 1:14 में लिखा है, दाऊद ने कहा, पढ़ना पहला शमूएल 1:14, परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास हैं उनके खिलाफ बोलने से डरते नहीं है। अरे उनको बेचारे जो हिंदू धर्म गुरु थे उन्हें नहीं मालूम, और जो क्रिश्चियन हैं उन्हें तो कम से कम पता है ना। और वो लिख रहा था कथित पास्टर अंकर नरुला, हद हो गई। दूसरा शमूएल 1:14, जल्दी से दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को, यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा, हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा, तू यहोवा के अभिषिक्त के खिलाफ बोलने से क्यों नहीं डरा। यहोवा के जो अभिषिक्त हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी सेवकाई है,
और उनको बोल रहे हैं कथित पस्त। एक क्लिप है, आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, 45 सेकंड दिखाना। चर्च के अंकुर नरूला हैं, उनके जो करीबी हैं गौरव कुमार नरूला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से वो लोगों को ठीक करते हैं। देखिए फोन बज रहा है। हमें उम्मीद है कि वो फोन उठाएंगे, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे। कॉल कर रहे हो वो तुम्हारी कॉल का जवाब देने में असमर्थ है। यानी बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले अंकुर नरूला ने लाइव टेस्ट के नाम पर मैदान छोड़ दिया। तो इस वीडियो में वो दिखा रहे थे, आप अपने फोन में देख लेना। कहते हम लोग गए वहां जलंधर, और वो फोन उनका, इनका पत्रकार फोन मला रहा है, फोन मलाकर कह रहा है, मतलब बड़ा चौड़ा होकर बता रहा है, हमने फोन मलाया गौरव कुमार नरूला को। अरे जब तुझे नाम ही नहीं पता हो तो फिर तू क्या मतलब पखंडवा ढूंढ रहा है। कहता उनके नजदीकी हैं, एक बहुत पश्चिमकर नरूला का एक बहुत नजदीकी है और वो है गौरव कुमार नरूला। हम लोगों ने गौरव कुमार नरूला को फोन मिलाया। ये देखो फोन चल रहा है, इस वीडियो में आप देखोगे, ये देखो फोन चल रहा है। और घंटी भी लगा दी, आगे से उसने उठाया नहीं, वो उनको वो फ्री थोड़ा है जो इसके फोन उठाने के लिए। तो कहते गौरव कुमार नरूला ने फोन नहीं उठाया, ये दावा करते हैं मुर्दों को जिंदा करने का। और न्यूज नेशन के सामने ये भाग गए, फोन ही नहीं उठाया। जो ग्लोबल कृष्ण एक्शन कमेटी का जो प्रधान है, उसका नाम है जितेंद्र मसीह गौरव, जितेंद्र गौरव शॉर्ट में कहते हैं, गौरव करके ज्यादा जानते हैं, जितेंद्र गौरव। तो वो नाम ही उसका तेरे को पता ही नहीं है, तो पता नहीं किसको फोन मिला रहा है। मैं एक बात बताऊं, जितेंद्र गौरव युद्धा का बब्बर शेर है, न्यू नेशन ओशन वाला से नहीं डरते, किसी से डरते, वो युद्धा का बब्बर शेर है, ठीक है। वो पास्टरों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, वो जब दहाड़ते हैं ना, जब गर्जते हैं तो बड़ी बड़ी सरकार भी जो ना हिलती है, उसकी बात को सुनती है। वो जैसे ये कह रहे थे ना कि पास्टर कनुरला कथित पास्टर और भाग गया ये पखंड करता है पास्टर कनुरला, ऐसा कह रहे थे। अगर वो गौरव एक बार दहाड़ता ना तो वो पूरा पंजाब बंद कर देते, पूरी रोडें जाम कर देते, पंजाब ही नहीं पूरे इंडिया में हलचल ले आते। उनने कहा चल छोड़ो पर क्या है। और ये कह रहे मेरा फोन नहीं उठाया उसने, भागे डिबेट से भाग रहे हैं, लाइव टेस्ट कराने से भाग रहे हैं। ये तो किनारे ही नहीं समझ रहे, किनारे नहीं समझ रहे, और परमेश्वर के परकर्म के गर्जने के भेद को कौन समझ सकेगा। जब किनारे ही नहीं समझ रहे तो परमेश्वर के परकर्म के गर्जने का भेद ये कैसे समझेंगे। स्वर के भेदों की समझ आपको दी गई है, साथ ही लिखा है पर उनको नहीं, पर उनको नहीं, पर उनको नहीं, पर उनको नहीं। वो बेचारा एक हिंदू धर्म गुरु आचार्य मुझसे पूछ रहा है क्रिश्चियन धर्म में कितने संस्कार होते हैं। बाद में कह रहा 8, वो मैडम साथ में लगा रही 10, नहीं नहीं फिर कहती 10 तो आज्ञा होती है, कितने संस्कार होते हैं मुझसे पूछ रहा है कितने संस्कार होते हैं। अरे जब किसी पास्टर की दूसरे की कलीसिया में हमारी चर्च के कलीसिया के लोग चले जाते हैं ना, तो पास्टर भी जब पता चल जाए विश्व अमरदेव की कलीसिया के लोग बैठे हुए हैं,
तो वो थोड़ा होश से सोच से बोलता है प्रचार करते समय। कलीसिया के लोग बैठे हुए हैं और फिर मुझे बताते भी हैं, मुझसे क्या पूछते हैं, हमारे तो बच्चों से पूछ लीजिए, ये 10-10, 12-12 सालों के बच्चे से पूछ लीजिए। जो उस दिन पूछ रहे थे, यहाँ एक बहन खड़ी थी जिसकी बहू के क्या था, कैंसर हुआ था। एकदम से मैंने सोचा ये कौन है बेचारी, पहले मैंने ये सोचा ये कौन है बेचारी, फिर जब उसने कहा मेरी बहू का कैंसर था, फिर मुझे याद आया अच्छा ये बहन है, हम लोग उनके घर भी गए थे। तो ऐसे बेचारे बच्चे जिनको हम लोग पूरी तरह से जानते नहीं है, हमारे पास आकर कभी नहीं बैठे, वो बच्चे ऐसे जवाब दे रहे थे मुंह तोड़ उनको। और फिर वो दिखाया भी नहीं, सब जितना यहां पर रिकॉर्ड कर रहे थे हैरान हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर ने आपको समझ दी है, स्वर के भेदों की परमेश्वर ने आपको समझ दी है। एक प्रश्न था, प्रकर्म के गर्जने का भेद कौन समझ सकता है, आपको परमेश्वर स्वर के भेदों की समझ देते हैं अपने आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हजारों लोगों ने मैसेज किए, हजारों लोगों ने हमदर्दी दिखाई, फोन किए, जो हमारे पहचान के लोग थे उनको फोन किए, मेरा नंबर नहीं था, उनको मैसेज कर रहे हैं, ग्रुपों में मैसेज कर रहे हैं कि विश्व बाइबल से जवाब दे रहा था और वो बाइबल में से बोलने नहीं दे रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।